भाई और बहनों, जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और आप लोगों की जरूरतों से कोई लेना देना। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, यूपी को लूटो। उन्हें यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। इसलिए आज वो योगी जी को, बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। साथियों, यूपी का इन लोगों ने जो हाल बना दिया था वो इन नकली समाजवादियों के कर्मों का, उनके परिवारवाद के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है। पिछली सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि हाईवे पर गाड़ी रोककर गाड़ियों से लूटपाट की जाती थी, बीच हाईवे पर ही महिलाओं बेटियों के साथ क्या होता था बुलंदशहर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। तब उत्तर प्रदेश में घरों दुकानों पर अवैध कब्जे होना आम बात थी। लोग अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होते थे। आगरा के दंगों में आरोपियों के सिर पर किसका हाथ था ये आप भली भांति जानते हैं।